रुक जा रुक जा, सिमरन तो जी किरण आ गई है अभी अभी यूनिवर्सिटी से। कैसा था किरण जी आपका पेपर? पढ़ा तो आपने काफी ज्यादा था। अच्छा हुआ, बस 10 मार्क का एक क्वेश्चन मैं याद करना भूल गई। क्या लगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है और वही आ गया। हाँ दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं लेकिन मैंने 4 मार्क्स से कर लिया। हाउ सैड। अब आप मेरे लिए चाय बनाओगी ना? मुझे कुछ नहीं पता लेकिन मेरा दिल कर रहा था टू गेट रेडी। और अभी अभी किरण गई हुई है यूनिवर्सिटी और किरण के यूनिवर्सिटी के आने से पहले मुझे रेडी होना है उसके इस कॉस्ट्यूम में जो कि मैंने उसका मारा है अभी, ठीक है। और मैंने उसके कबर्ड से निकाला है, आगा जान से है पता नहीं, ये तो मुझे ब्लैक कलर का अच्छा लग रहा था इतना, ये इस कैमरे ने इसको नहीं जस्टिफाई किया, बहुत प्योर ब्लैक है तो मुझे अच्छा लग रहा था। ये पहनते हैं और इसके साथ करती हैं मेकअप डू, बिकॉज मैंने ईद के बाद से मेकअप किया ही नहीं है, मैं रेडी नहीं हुई। तो रेडी होके देखते हैं, लेट्स गो। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, आगे अपने लव डॉट्स के साथ शेयर करें, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दें, लेट्स गो। सो जी हेयर आई एम, मैंने शर्ट पहन ली है, थोड़ी खुली है बट इट्स ओके, लूज का तो वैसे भी फैशन है। तो शर्ट पहन ली और अब हम अपना जो है मेकअप का सिस्टम स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत लाइट मेकअप करूंगी और लाइक जैसे नो मेकअप लुक होगा जो कि मैं नॉर्मल करती भी हूँ, ठीक है। और अभी मैंने अपने सिर्फ फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर लगाया है। आज जुम्मा है तो आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक भी, अभी नमाज पढ़ ली हुई है तो अब मैं इजी हूँ। और अभी दरअसल आज का टास्क यह है कि मुझे अभी ये व्लॉग बना के व्लॉग अपलोड भी करना है और एडिट भी करना है। कैन यू जस्ट लाइक बिलीव इट? देखते हैं ये मैं टास्क कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। अगर आज ये जुम्मे के दिन आप लोगों को ये ब्लॉग देखने को मिल गया तो दैट मीन्स के दैट डू 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 थम्स अप, ठीक है, मैंने ये चीज कर ली। और अगर आपको फिर सैटरडे को देखने को मिला तो इसका मतलब मैं उसको नहीं कर सकी, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं उसको कर लूँ। लेट्स गो। तो जी अब मैं बैठ गई हूँ, तशरीफ रख लिया है, आज मुझे सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम करना है, सामने से भी करते हैं। अब मैं बैठ गई हूँ और सबसे अभी मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया हुआ है, मॉइस्चराइजर मैंने ये लगाया फिजियोजेल का, और अब मैं अपने फेस के ऊपर लगाने लगी हूँ ये सीरम हेलोरोनिक एसिड का। सबसे बड़ी चीज इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए दैट आई एम नॉट हैविंग अ फकिंग स्टैंड नहीं है, तो हम अपनी इस वाली बाजू को स्टैंड यूज करते हुए अपना मेकअप शुरू करते हैं। अच्छा जी, मेकअप सबसे पहले शुरू करने से पहले ये चीज ध्यान रखें कि आपका फेस अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज होना चाहिए। अगर फेस अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज नहीं होगा, लाइट अच्छे तरीके से आपके थोबड़े के ऊपर नहीं आएगी, तो देन ना वीडियो अच्छी बनेगी और ना ही मेकअप अच्छा होगा। अच्छा जी, मैंने अब सीरम ले लिया हेलुरोनिक एसिड का, ठीक है, इसको इस तरह से अपर ऑन माय फेस, कोई गिर ना जाए। ओके, इस तरह से आप अच्छे तरीके से अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लें जल्दी से। अच्छा जी, मॉइस्चराइज करने के बाद अब हम लगाएंगे सनस्क्रीन। इवन दो सूरज हो, इवन दो बाहर सर्दी हो, आपने सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलना या सनब्लॉक लगाना नहीं भूलना, मस्ट हैव है। एक दफा पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि दैट 4 मस्ट हैव्स है, मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक, वैसे मैंने ये सीरम ऐड किया हुआ है, एंड उसके अलावा गुड एंटी ऑक्सीडेंट और सनब्लॉक। चीज़ें ज़्यादा हो गई, कम हो गया, और एक अच्छा फेस वॉश भी। ओ किरण के कपड़ा में दीदी वाह दीदी। जी अब यार देखिए, मैंने अपने फेस को फुल मॉइस्चराइज कर लिया है, चपेड़े मारने के लिए बिल्कुल ये रेडी। अब हम करते हैं, मैंने आज सच अपने फेस के ऊपर आजकल बिल्कुल भी फाउंडेशन यूज नहीं कर रही, दिस इज माय मेकअप बैग, इसको हम यहाँ रख देते हैं। आजकल मैं अपने फेस के ऊपर बिल्कुल भी फाउंडेशन यूज नहीं करी, इवन दो मैंने अपने ईद के दिन भी मुंह पे फाउंडेशन यूज नहीं की थी, मैं सिर्फ और सिर्फ कंसीलर यूज करती हूँ सिंपल सा। नाउ वी आर गोइंग टू पुट कंसीलर। अब मेरे पास डिफरेंट टाइप के कंसीलर्स पड़े हुए हैं, मिस्ट्रोस का है, जे डॉट का है, और ये एक मेरा जे डॉट का है, मेरे हाथ मिस्ट है मिस्ट्रोस का है। तो ये पता मैं क्या करती हूँ, मैं ये वाला अपने अंडर आई के नीचे लगाऊंगी और ये मैं अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी। ओके जी, इस तरह से मैंने आंखों के नीचे लगा के इधर 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 लगा लिया,
इसको अभी इसमें लगा के साइड पे फेंके। अब ये वाली चीज है, वैसे तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाती इर्द गिर्द, लेकिन चले गेट रेडी कर रहे हैं तो इसको हमने जो है ना यूज करना है, क्योंकि मेरे पास इस टाइम एक हाथ है। इसको जो है ना मैं इस तरह से यूज कर रही हूँ, ऐसा मेकअप आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन हम मैं तो इसको ऐसे करती हूँ पूरे मुंह पे, जैसे हम मॉइस्चराइजर नहीं लगाते, डैब डैब वाला कोई सीन नहीं है अभी इधर। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इधर पर भी लगा लेनी है। अच्छा मैं पाउडर शाउडर नहीं लगा रही ब्रो, क्योंकि ना ऑलरेडी मेरा फेस ड्राई है, सो आई एम नॉट पुटिंग द पाउडर, बट पाउडर भी लगानी चाहिए आपके, वो आपके मेकअप को सेट कर देता है। ठीक है, ब्लश की बारी। इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपकी फेस लिफ्टेड फील हो तो आपने इधर से इधर लगाना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका फेस राउंड फील हो चबी तो आपने इधर इधर लगाना है। तो हम इसको ऊपर की तरफ करते हैं, इसी को आंखों पे लगा लें, इधर भी लगा लें, नाक पे भी लगा लें। ठीक है, ये मैं तो ऐसी करती हूँ, ऊपर 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 ले लिया पाउडर फॉर्म में इस तरह से। वन दोज हु डोंट हैव अ प्रॉपर जॉ लाइन, तो ये दिया आपने, कंसील कर लिया। इसको आंखों पे भी कर लें, ठीक है जी, इधर से ऐसे भी कर लें। हम करेंगे अपनी लैश को एक्सटेंड, ठीक है, और अब हम लगा लेंगे मस्कारा। ठीक है, और जब आपके फेस पे एक्स्ट्रा गिर जाए ना, उसको आपने इस तरह से करके, ओ ये क्या हो गया। तो जी अब मैंने मस्कारा भी लगा लिया और अब मैं अपनी लिपस्टिक लगाती हूँ अच्छी सी शेड पकड़। सो दिस इज माय फाइनल लुक एंड होप यू लाइक इट, मुझे तो अच्छी लग रही है, लाइक बड़ा ट्रेडिशनल लग रहा है। इसमें जब तक मैं फोटो शूट सही तरीके से नहीं करवाऊंगी ना, मेरी ये तैयारी बेकार है। तो मैं किरण का इंतजार करूंगी और जैसी आएगी तो फिर हम फोटो शूट करवाएंगे। सो या दिस इज द कंप्लीट लुक, किरण का ड्रेस है वैसे ये खुला है बट इट्स ओके, दिस इज माय नो मेकअप लुक। एंड उम्मीद है कि आपको मेरा ये जो ओवर डू है पाँच मिनट वाला, जिसके अंदर थोड़ा सा खराबी भी हो गई थी, बट इट्स ओके, होता है चलता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सिनेरिटा। अरे कितनी ऑसम है यार। उसको लेके परेशान नहीं होना है, मुझे ड्रेस पूरा अच्छा लग रहा है। इसमें जब तक मैंने फोटो शूट नहीं कराऊंगी ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो मैं किरण का इंतजार करती हूँ, फोटो शूट कराएंगे हम लाजमी, और जो कि आप इंस्टाग्राम पर देखेंगे, होप सो अगर उसने कर दिया तो कर देगी इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, आके अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कर दे, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, विच इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ प्रैंक और अ चैलेंज आई गेस, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो भी होगी वो आपको दिख जाएगी। एंड कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि ये कैसा लगा है, इवन द सेलेक्शन ऑफ द ड्रेस ऑल्सो प्लेज अ रोल राइट। तो मैंने इस ड्रेस भी तो सेलेक्ट किया है किरण का, तो ये भी बताना है, और ये हल्का फुल्का ये भी बताना है कि कैसा लगा है। 10 में से नीचे रेट कर दीजिएगा, एंड लव यू लॉट, जुम्मा मुबारक, लाफेज़।